हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यदि स्टूडेंट्स आप एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कक्षा 10वीं 12वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर, परीक्षा पैटर्न में बदलाव, यह होंगे नए नियम। जी हाँ स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं और 12वीं के एमपी बोर्ड में जो है कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। आपके परीक्षा पैटर्न में जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, तो चलिए देख लेते हैं पूरी खबर। और इससे पहले यदि आप नए व्यूअर्स हैं और आपको एमपी बोर्ड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा बच्चों, उसको आपको प्रेस कर देना है ताकि एमपी बोर्ड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिले सबसे पहले। तो बच्चों आप यहां देख सकते हैं, देखिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, देखिए एमपीबीएससी ने, एमपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम एग्जाम रिजल्ट को सुधारने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया है। जी हाँ बच्चों, आगे आप यहाँ देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बदला गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपको पहले से पता हो या फिर आपने अभी सुना हो, तो ये जो पूरी सच्ची इंफॉर्मेशन है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बदला गया, किस प्रकार होगा आपका पैटर्न, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए, जिसके बाद अब प्रश्न पत्र में 40% ऑब्जेक्टिव जो होंगे, जी हाँ स्टूडेंट, 40% आपके आपके प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद इसके साथ ही परीक्षा पास करने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये तो आपका पहले भी था 33%, लेकिन आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जो है आपको 40% क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप यहाँ आगे देख सकते हैं, देखिए दरअसल पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश सरकार 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम को सुधारने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले बेस्ट ऑफ 5 लागू किया गया था, वहीं अब परीक्षा पैटर्न में एक बार फिर एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर, परीक्षा पैटर्न में बदलाव, यह होंगे नए नियम से बदलाव किया गया। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप आगे आप यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन आप जरूर देखिएगा। देखिए, नए सत्र 2021 के लिए परीक्षा पैटर्न का परीक्षा के पैटर्न को बदले जाने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार एमपी बोर्ड की परीक्षा में जो पैटर्न में बदलाव किया गया है, जिससे छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करना और आसान हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको जो है परीक्षा में बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो है बोर्ड परीक्षा पास करना और आसान इससे हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ आगे देख सकते हैं, वही एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बदले हुए पैटर्न के अनुसार 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन, जी हाँ स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं 80% आपके जो सिद्धांत कक्षा 10वीं और 12वीं के और 20% अंक प्रोजेक्ट के लिए मान्य किए गए हैं। आपके 20% जो है आपका प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है और आपके 80% जो सैद्धांतिक पेपर आपका होगा। इसके बाद देखिए, वहीं 12वीं के मूल्यांकन 70% अंक प्रायोगिक विषयों में सैद्धांतिक और 30% तक जो प्रोजेक्ट रहेंगे। 12वीं के बच्चों का 30% का आपका मीन्स 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा और 70 नंबर का आपका जो है पेपर होगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अलावा सत्र 2022-23 में कक्षा 10वीं और 12वीं में तबला गायन वादन के लिए दो प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपका जो 2022 और 23 के लिए है, जिसमें आपको नए सब्जेक्ट तबला गायन और वादन जो है उसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही 10वीं और 12वीं के सभी विषयों में सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में 40% प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जबकि 40% आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न रहेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपका देखिए इस प्रकार से सिलेबस रहने वाला है, 40% आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और आपके जो है 20% विश्लेषणात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 40% आपके होने वाले हैं। इसके बाद देखिए, बता दें कि एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 25% अंक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। पहले का जो आपका पेपर शीट होता था उसमें आपके जो 25% अंक जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, जबकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 40% तक कर दी गई है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके 15% इसमें प्लस कर दिया गया, आपका वस्तुनिष्ठ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 40% इसमें कर दिए गए हैं नए पेपर शीट में।
वही इसी सत्र से लागू किए जाएंगे। जो है ये आपका जो पेपर सेट इसी सत्र 2021 से ही लागू किया जाएगा। और इससे पहले लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ब्लूप्रिंट को 24 सितंबर से ही आयोजित किने होने वाली तिमाही परीक्षा में लागू कर दिया गया। जी हाँ, आपका जो ब्लूप्रिंट है तिमाही परीक्षा का, उसमें भी आपको 40% जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो आपका ब्लूप्रिंट जारी हुआ था, और आपके जो आपकी सभी कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी क्वेश्चन पेपर जो आपके 40% ऑब्जेक्टिव के साथ नए जो है माध्यम से होंगे, नए पेपर सेट के हिसाब से होंगे। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। साथ ही एमपी बोर्ड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।